आपको लगता है कि कोर्स पूरा करने से सिलेक्शन होता है? कोर्स पूरा करने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है टेम्परामेंट डेवलप करने से, ठीक है ना। वो कैसे होगा वो एक से सोचना बंद करना पड़ेगा कैसे होगा। एक टेम्परामेंट डेवलप होता है ईमानदारी से, ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, बैठ के पढ़ोगे, पीस। व्हाट इज टेम्परामेंट? टेम्परामेंट इज पीस, ठीक है ना, कामनेस। अगर पढ़ते टाइम अगर आप बहुत पीसफुल रहते हो तो ही टेम्परामेंट डेवलप होगा, वरना फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, सिलेक्शन ही नहीं होता। और प्राइवेट कॉलेज इतने बुरे होते हैं ना अभी, खैर आपको तो सबको आईआईटी मिलेगा, पर जो लोग प्राइवेट में चले जाते हैं इतना बुरा होता है ना, वहां जाके हर पॉइंट पे इंसल्ट होती है, हर पॉइंट पे इंसल्ट होती है। आपको पता है थर्ड ईयर में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इंडस्ट्रियल ट्रिप जाती है, ट्रेनिंग होती है। प्राइवेट कॉलेज वालों को कंपनी वाले लेते ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेज हो गया तो अच्छा कैसे हो गया? प्राइवेट कॉलेज है क्या वो? अरे यार तुम लोगों को कुछ फंडिंग के लिए, मैं प्राइवेट कॉलेज किसकी बात कर रहा हूँ? जैसे लाला लोग खोल रहे हैं, ये सेठ लोग खोल रहे हैं ना, ये होते हैं प्राइवेट कॉलेज, ठीक। जैसे कोटा में, ये तो कोटा यूनिवर्सिटी है, और इस दिल्ली रोड पे जो खूब सारे खुले हुए हैं लाइन से, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मोदी तो फिर, मोदी भी बेकार ही है, बेकार है। हाँ MIT वगैरह वो, खैर चलो आप, अभी तो आपको बात बतानी सही। करियर पॉइंट वाले बहुत सारे खुले हुए ना, ये जयपुर में देख लो, लाइन लगी पड़ी है जयपुर में। हाँ जो कंपनी वाले है ना, हाँ लीलावती ऐसे ऐसे, जो कंपनी वाले है ना, जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उनके पास नहीं भटकने देते बेवकूफ बच्चों को, कि उंगली लगा दी, हाथ लगा दी तो खराब कर देगा, अकल वैसे ही नहीं है इसको। चाहे आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के हो, आपका कॉलेज का नाम सुनेगा वो और बोलेगा यहीं से देख लो बाहर से, अंदर नहीं जाना, जबकि आप ट्रेनिंग पे आए हो वहां पे। कितनी बड़ी बेइज्जती नहीं लगता आपको? वहां भी आप ऐसे ही हंसोगे फिर, ही जाने नहीं दिया, मजे करोगे, वहां भी बाहर खड़े होगे और क्या करोगे, फील ही नहीं होगा। जब यहां फील नहीं हो रहा तो वहां क्या होगा? पर वो सोच के बहुत बुरा लगता है, मैंने देखा अपनी आंखों के सामने से। मैं तो खैर IIT से था, तो मेरी जब ट्रेनिंग थी, मैंने सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने बाहर दो तीन जगह आया था, जर्मनी में नहीं गया था मैं। मैंने कहा मैं इंडिया में ट्रेनिंग करूंगा और ऐसी जगह ट्रेनिंग करूंगा जहां 3 महीने में IAS की प्रिपरेशन कर सकूं। ट्रेनिंग से मुझे कुछ लेना देना नहीं था, तो मैं उसी प्रिपरेशन में लगा हुआ। तो मैंने ऐसी जगह ढूंढी जहां पे मुझे दिन में बस 5 मिनट के लिए जाना पड़े, ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ाई करूं। आपको पता है उस मिल में उनके पास 5 to 6 years बाद एक IITian आता है। 5-6 साल में तो कोई IITian का नंबर आता है उनके यहाँ ट्रेनिंग का। स्टार पेपर मिल सहारनपुर में, मैंने वहां पर ट्रेनिंग की थी। वो मतलब पेपर मिल तो केमिकल इंडस्ट्री होती है ना, तो बहुत रिनाउंस कंपनीज में से था वो, ठीक। वो लोग IIT भेजते हैं अर्जी एप्लीकेशन ट्रेनिंग के लिए, कि हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग करने के लिए भेज दो आप, जो रिपोर्ट बना के यहाँ सबमिट कर जाए। 3 महीने की रिपोर्ट होती है ना कंपनी, जिसमें भी आप ट्रेनिंग करते हो उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है वहां पे। और IITian ने जो रिपोर्ट सबमिट कर दी ना, वो उनका रिकॉर्ड हो जाता है, वो उसके बेसिस पे बहुत सारे बिल और बहुत सारी चीजें पास करवा लेते हैं। और जो प्राइवेट कॉलेज का बच्चा होता है ना, उसे तो कंपनी में घुसने नहीं देते, सर खाएगा और इसके पास जाके इसको इंगेज करेगा हमारे वर्कर को, नहीं करते। मैं केवल दिन में 5 मिनट के लिए जाता था और एक इंजीनियर मेरे लिए अलॉट था वहां पे, जो मुझे समझाएगा कि देखो ये बॉयलर ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, आप इस पे ऐसी ऐसी रिपोर्ट बना के लिख के सबमिट कर देना। मैं जो लिख के देता ना, उसका वेट करते थे वो लोग, क्या लिख के दो सर, अच्छा अच्छा लिखना। मैंने कहा हाँ यार अच्छा अच्छा ही लिख के दूंगा मैं रिपोर्ट में, ऐसा थोड़ी ना कुछ करूंगा, जबकि मेरी तो ट्रेनिंग की रिपोर्ट थी। वो मेरे भी काम आती है और वो उनके भी काम आती है। और जब गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट बना के जाता है ना, उसको कोर्ट वोट सबको यकीन करना ही पड़ता है। मान लो मैंने कुछ डायमेंशन और ये लिख के दे दी कि मैंने ट्रेनिंग में ये पाया यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ठीक, तो उनके पास प्रूफ है कि हम कोई बाहर वाला बंदा भी आके ये चीज नोटिस करके चला गया, तो उसके के जो क्लेम कर सकते हैं। वो कौन से इंस्टीट्यूट का था? IIT दिल्ली का था। हाँ वो तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग होगा कोई वैसे का, तो मानते हैं उस चीज को। और वैसे ही मेरे साथ जो बाकी के ऐसे ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट आते थे ना, तो मुझे मना करते सर उस टाइम पे नहीं आना आप, 12:30 के बाद आना। 12 वाले वो गधे बच्चे आ जाते हैं उस टाइम, बहुत सारे, उन्हें हम अंदर नहीं जाने देते, आप उस टाइम मत आना, आप उस टाइम आना। मतलब शक आंखों के सामने डिस्क्रिमिनेशन होता है। NIT भी ठीक ही है। अब आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया क्या? डिफरेंस समझ आया? मेरा पर्पज है डिफरेंस समझाना आपको। आपको नहीं पता, आपको तो आधी जगह ये भी नहीं पता चलेगा कि आपकी बेइज्जती हो चुकी है। उसने मना कर दिया आपको कि नहीं इसमें आपको नहीं जाना, क्या पता उसमें जाने देते हो, आपको नहीं जाने दिया, आप तो बाहर होकर यही बोलोगे यार उसमें तो जाना अलाउड नहीं है, जबकि किसी को जाने देते होंगे अच्छे स्टूडेंट को वहां पे, तो हो चुकी है ना इंसल्ट, तो पर पता नहीं चलता इन चीजों का। नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा? पता है ये जो हंसी मजाक है ना, 4-5 महीनों के लिए रख दो, बाद में काम आएगा। नहीं तो इतनी मतलब आपको लगता प्राइवेट कॉलेज में जाने ही सबसे पहले इंसल्ट है? आपको नहीं लगता? ऑब्वियसली
पेरेंट्स पे इतना जोर पड़ता है, प्राइवेट कॉलेज की कुछ इज्जत ही नहीं है, वो कभी भी बंद हो जाता है। हाँ, और आपको नहीं पता, अगर आप सीरियस नहीं होगे तो आप अपना रास्ता प्राइवेट कॉलेज की तरफ मोड़ रहे हो, एडमिशन तो लोगे कहीं ना कहीं, है क्या? नहीं, ऐसे थोड़े ना बैठोगे कहीं पे। तो बस 4-5 महीने सीरियस हो जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी क्लास में हंस रहे हो, तो आज तक कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे इतने साल की करियर में, पर मैं आपका ही देख रहा हूँ। 4-5 महीने सीरियस हो जाओगे तो शायद बच जाओ ऐसी बेइज्जती से, वरना बच्चे बहुत सारे हैं, मेरे जानने वाले भी हैं, हॉस्टल्स इतने बुरे होते हैं वहां के, ठीक, टीचर्स इतने बुरे होते हैं, ऐसे ऐसे चीप चीप टीचर पढ़ाएंगे जिनको खुद कुछ नहीं आता, और 5-6 महीने पढ़ा के छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में कोई पढ़ाने नहीं चाहता, पैसे नहीं देते वो, 10-10 हजार रुपए में टीचर रखते हैं वो, और 10-10 हजार रुपए में कौन टीचर पढ़ाने आएगा जो खुद प्राइवेट कॉलेज से निकल के आया हो, जिसने ऐसे ही हंस हंस के जिंदगी काटी हो, ही क्लास में भी जाके कुछ आएगा तो हंसेगा, वहां पे बच्चे भगा देंगे उसको, उनके कोर्स तक पूरे नहीं होते, एग्जाम कभी कभी एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं, इतनी तो महान यूनिवर्सिटी होती है वहां की, इतना बुरा सिस्टम होता है ना, रोते हैं वहां पे जाके बच्चे, पर लेकिन फिर भी नोएडा में इस जगह ऐसे ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो 5-5-6 हजार में इंजीनियर को रखती है, 10-10 हजार भी मिलते हैं इंजीनियर्स को। आपको पता है नोएडा में कितना बुरा हाल है, जो प्राइवेट कॉलेज के इंजीनियर्स है ना, वो एक रूम लेके उसमें 7-7, 8-8 रहते हैं, इट्स अ फैक्ट, क्योंकि नोएडा में रूम कम से कम 10 हजार में मिलता है, ठीक है ना, 10 हजार में भी नॉर्मल रूम मिलता है, अब 10 हजार में रूम 4 लोग रहेंगे तो 2.5-2.5 हजार रहेंगे, 10 हजार जिसकी तनख्वाह, वो 10 मेरे रूम में थोड़ी रहेगा, ऐसे ही नीचे बिछा के गद्दे लेके, क्या पता कब छोड़ना पड़ जाए, बेड भी नहीं लाते लोग बाग अपना, इतनी बुरी लाइफ कटती है वहां पे, और पता नहीं चलता, और वो जब घर आते हैं ना बोले मैं तो कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, जब होता है एक ही रूम में घुसे रहते हैं 10-12, ये लाइफ रहती है, बहुत बुरा है यार। अगर अच्छे से सीख, पता है ये 12th क्लास ऐसी होती है, इसमें अगर आपने मेहनत कर ली तो पूरी जिंदगी बेइज्जती से बच जाओगे, और इसमें मेहनत नहीं की तो हर स्टेप पे लाइफ बेइज्जती करती है, हर स्टेप पे, हर कदम पे, पता ही नहीं चलता हो भी गई है क्या। पता है जो कंपनी पे खड़ा हुआ गार्ड होता है ना गेट पे, वो निकलते और घुसते हुए टाइमिंग को देख के पता चल गया कि इसको थोड़ी देर बात करके भेजा है या गेट पे से भगा दिया है, वो जानता है जो गेट पे खड़ा रहता है, गेट कीपर, कोई बंदा गया फाइल लेके 10 मिनट में वापस आ गया तो समझ जाता है कि इसे एंटरटेन नहीं किया, भगा दिया साला बेकार कॉलेज से होगा, और कोई गया 2-3 घंटे बाद वापस आया तो वो देखा, हाँ इसकी फाइल अंदर गई होगी, इससे उसने बात की, इससे उसने बात की, ये बंदा अच्छे कॉलेज से है, उसका तो सुबह से शाम तक का काम यही है, उसकी नजरों में भी बेइज्जती हो गई, फील करने वाली बात है, अगर फैक्ट को फील करोगे ना तो पढ़ने के अलावा और कुछ सूझेगा ही नहीं तुम लोगों को, और ऐसे लाइट लोगे ना लाइफ को, यार छोड़ो ना क्या है, आप खुद सोचे आपकी कोई बेइज्जती करो तो मम्मी पापा कितना जोर पड़ता होगा, अपने पेरेंट्स को सोचिए देखो उनके बच्चे किसी ने बेइज्जती कर दी, बुरा नहीं लगता, बुरा फील होता है ना, तो ये थॉट्स कभी कभी आती है, हमेशा नहीं आती, पढ़ लो। सॉरी इमोशनली हर्ट करने के लिए।